नमस्कार, SBN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाजमिन खान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। 29 लोकसभा सीट वाले मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बहुमत हासिल करती हुई नजर आई, 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज करना एक बड़ी मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में साबित किए। लेकिन वहीं विदिशा से बात की जाए तो चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा और ऐसे में भारी मतों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराया। 8 लाख वोटों से ज्यादा यहां पर शिवराज सिंह चौहान की जीत होती हुई नजर आई, जिसके बाद यहां पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जहां शिवराज सिंह चौहान की भूमिका ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी अहम मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो गुना से वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। यहाँ पर बात करें तो इस बार 2024 के नतीजे में सिंधिया को भी जीत हासिल हुई, यानी कि गुना सीट उनके खाते में आई, जीत दर्ज की और ऐसे में वो भी यहाँ पर सांसद बनते हुए नजर आए। लेकिन जहाँ शिवराज सिंह चौहान को तवज्जो दी जा रही है उतनी तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिल रही है। जैसे कि बात करें शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा जा रहा है कि कैबिनेट में एक बड़ा पद यहाँ पर मिल सकता है, केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अदा करते हुए नजर आ सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में अभी समय है, लेकिन देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर यहाँ पर रहे, ये जगह यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है, गृह मंत्रालय यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिल सकता है, इस बात के संकेत अभी से दिए जा रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, बात करें उड़ीयन मंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में सिंधिया यहाँ पर रह चुके हैं, यहाँ पर सिंधिया उड़ीयन मंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बात करें अब गृह मंत्रालय अगर उन्हें मिलेगा तो क्या ऐसे में सिंधिया को कोई और यहां बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी, कोई और मंत्रालय यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, इस पर एक बड़ी बहस होती हुई दिखाई दे रही है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला यहाँ पर NDA की बैठक में लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SBN9 न्यूज। धन्यवाद।